दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई की हार के बाद भी रोहित ने जीत लिया करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल। जी हां, जब स्टेडियम में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पैर छूकर रोहित शर्मा ने लिया आशीर्वाद, तो ये खूबसूरत मोमेंट देखकर पूरा स्टेडियम हो गया हैरान। तो आखिर क्यों अचानक रोहित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पैर छूकर लिया आशीर्वाद? क्या बीजेपी की तरफ से रोहित शर्मा लड़ने वाले हैं चुनाव? क्या है पैर छूने की असली वजह? ये तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने फिर रोहित के सम्मान में क्या कहा ये भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा राजनीति में उनको आना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में मुंबई और लखनऊ के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले मुंबई को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन मुंबई की टीम 20 ओवर में लखनऊ के सामने केवल 144 रनों का लक्ष्य विकेट खोकर दे पाई। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की भी शुरुआत कुछ खास नहीं रही। मुंबई एक समय तो ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला बड़ी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन इस ओर दीपक हुड्डा ने मिलकर अपनी टीम को संभालते हुए जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया और अंत में निकोलस पूरन ने लखनऊ को 4 विकेट से यादगार जीत दिला दी। लखनऊ की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, वहीं मुंबई के खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था। मुंबई की हार देखकर पूरा स्टेडियम निराश हो गया, जब सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे। उस दरमियान निराशा रोहित शर्मा अकेले स्टेडियम में टहल रहे थे। उन्हें देखकर स्टेडियम में मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उनके पास जाने का निर्णय लिया और वो रोहित से मिलने के लिए मैदान में पहुंच गए। जब योगी आदित्यनाथ जी रोहित शर्मा की तरफ बढ़ रहे थे, उस दरमियान रोहित की नजर उन पर पड़ी और रोहित उन्हें देखकर तुरंत उनके पास गए और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने योगी जी के चरणों में अपना सर झुका दिया। ये लम्हा देखकर तो योगी आदित्यनाथ जी को भी कुछ समझ नहीं आया, उनकी आंखें तो फटी की फटी रह गईं। वहीं स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी पूरी तरह से हैरान हो गए, लेकिन योगी जी ने तुरंत रोहित शर्मा का कंधा पकड़कर उन्हें उठाया और दिल से गले लगाया। उसके बाद पीठ थपथपाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया, साथ ही जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई भी दी। फिर रोहित और योगी आदित्यनाथ जी एक दूसरे से मैदान में बातचीत किए। काफी लंबे समय तक इन लोगों की वार्ता हुई। योगी आदित्यनाथ जी रोहित को हार की सांत्वना भी दे रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे। फिर क्या, रोहित और योगी आदित्यनाथ जी के बीच हुए उस लम्हे ने तो हर किसी का दिल जीत लिया। अब इन दोनों लोगों की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं रोहित के चाहने वाले फैंस इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और लोग अच्छे अच्छे कॉमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा इस बार अपनी टीम मुंबई इंडियंस को आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, लखनऊ के खिलाफ मुंबई की टीम को मिली हार के बाद आईपीएल के दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को फटकार लगाते हुए किया सभी को हैरान। जी हां दोस्तों, मुंबई और लखनऊ के बीच खेले गए रोमांचक मैच में लखनऊ की टीम को मिली जीत के बाद अब आईपीएल के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस दौरान क्रिस गेल, सुरेश रैना से लेकर गौतम गंभीर, लसित मलिंगा ने एक ऐसा बयान जीत के बाद जारी किया है जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार लखनऊ की जीत के बाद अब आईपीएल के दिग्गजों ने क्या कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से कौन है इस मैच में हार का असली जिम्मेदार? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, लखनऊ और मुंबई के बीच लखनऊ के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया जिसमें लखनऊ की टीम ने जीत दर्ज की। इस मैच में लखनऊ की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए मुंबई को 144 रन 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में रोक दिया और इसका पीछा करते हुए तो लखनऊ की टीम ने 19.2 ओवर में मैच को 4 विकेट से अपने नाम कर दिया। ऐसे में अब मुंबई की हार के बाद रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को हार का जिम्मेदार बताया जा रहा है, जिसके बाद चारों तरफ से तीन खिलाड़ियों को जमकर खरी खोटी सुनाई जा रही है। इस बीच आईपीएल के तमाम दिग्गजों ने भी तीनों को लेकर हार के बाद हैरान कर देने वाला भड़काऊ बयान जारी कर दिया है, जिसमें लसित मलिंगा ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में मुंबई की टीम को जीत मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुंबई की टीम को इस मैच के अंदर जीत मिल पाने के बाद मैं काफी ज्यादा निराश हूं, क्योंकि इस मैच में हमारी टीम के लिए जीत दर्ज करना बेहद जरूरी था, लेकिन हमारी टीम के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसके चलते हमारी टीम बुरी तरीके से मैच को हार गई। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मुंबई की टीम के पास काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन जिस प्रकार से रोहित शर्मा, सूर्य
कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने इस मैच के अंदर खराब बल्लेबाजी की है, उसके चलते हमारी टीम का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से चरमरा गया और हमारी टीम इस मैच के अंदर खराब बल्लेबाजी के चलते बुरी तरीके से हार गई। तो वहीं क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा है कि मुंबई की टीम के पास काफी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं। इस मैच के अंदर लखनऊ की टीम की तरफ से तो केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी और कप्तानी देखने को मिली है, तो वहीं स्टोइनिस ने भी अपनी बल्लेबाजी के जरिए लखनऊ की टीम को मजबूती दिलाने का कार्य किया है और इस मैच में लखनऊ की जीत दिलाई। इसके अलावा मोहसिन खान ने भी सभी को अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया और इस तरीके का प्रदर्शन अगर मुंबई की टीम की तरफ से कोई करता तो शायद मुंबई की टीम को जीत मिल जाती। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मुंबई की टीम की तरफ से कप्तान हार्दिक पांड्या ने खराब बल्लेबाजी और कप्तानी करते हुए मैच को मुंबई को बुरी तरीके से हराया। तो वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा है कि मुंबई की टीम के पास काफी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन जिस प्रकार से इस मैच के अंदर मुंबई की टीम की तरफ से गेंदबाज और बल्लेबाज खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, उसके लिए मुंबई की टीम को सोचने की काफी ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मुंबई की टीम के लिए रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, ये तीनों खिलाड़ी मुख्य भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन तीनों ने इस मैच के अंदर काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया जिसके चलते मुंबई की टीम इस मैच को बुरी तरीके से हार गई। ऐसे में अगर तीनों खिलाड़ियों का इसी तरीके का प्रदर्शन आगे भी देखने को मिला तो शायद भारतीय टीम को वर्ल्ड कप भी हारना पड़ सकता है। तो वहीं सुरेश रैना ने बयान देते हुए कहा है कि मुंबई की टीम की तरफ से रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते उनकी इस मैच में खराब बल्लेबाजी देखने को मिली है। तो दूसरी तरफ से हार्दिक पांड्या ने काफी ज्यादा खराब बल्लेबाजी की और अपनी कप्तान होने की जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से नहीं समझा, साथ में अपनी कप्तानी से भी सभी को निराश किया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या तीनों खिलाड़ी मुंबई की टीम के लिए साथ में भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। ऐसे में अगर इनका इसी तरीके से खराब फॉर्म जारी रहा तो भारत को T20 वर्ल्ड कप में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में मुंबई की टीम की हार का मुख्य कारण क्या रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, IPL का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ में देखने को मिला। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट की टीम आमने सामने थी और इस मैच में लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुंबई इंडियंस को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन आए, वहीं लखनऊ की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मार्कस स्टोइनिस। मुंबई के बल्लेबाजों को खेलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। मुंबई का स्कोर पहले ओवर में केवल 2 रन बन पाया। लखनऊ की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहसिन खान और इनका स्वागत रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन मोहसिन खान ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर इस चौके का बदला लेते हुए रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मुंबई इंडियंस को 7 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। रोहित टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन ईशान किशन मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव आए। मुंबई का स्कोर 2 ओवर में केवल 8 रन बन पाया। लखनऊ की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मार्कस स्टोइनिस, लेकिन इनका स्वागत सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी सूर्य कुमार यादव रुके नहीं, दूसरी गेंद पर इन्होंने 3 रन बटोर लिए, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने इसी ओवर के चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को अपना शिकार बनाकर मुंबई इंडियंस की कमर तोड़कर रख दी। केवल 18 रनों के स्कोर पर मुंबई का दूसरा विकेट गिर चुका था और सूर्य कुमार यादव टीम के लिए 10 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। अब ईशान किशन का साथ देने के लिए मैदान पर मुंबई की तरफ से तिलक वर्मा आए और मुंबई का स्कोर 3 ओवर में केवल 2 विकेट पर केवल 20 रन बन पाया। मुंबई की शुरुआत बेहद खराब हुई और लखनऊ की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहसिन खान। मुंबई के बल्लेबाज एक रन के लिए तरस रहे थे। 4 ओवर में मुंबई का स्कोर केवल 22 रन बन पाया। 5वां ओवर लेकर एक बार फिर मार्कस स्टोइनिस, इस बार इनका स्वागत तिलक वर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और मुंबई के स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। मुंबई का स्कोर बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और 5 ओवर में मुंबई का स्कोर केवल 27 रन 2 विकेट पर बन पाया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज नवीन उलहक और आते ही उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन और तिलक वर्मा के बीच हुई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तिलक वर्मा को रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मुंबई इंडियंस पूरी तरह से बिखर चुकी थी। तिलक वर्मा 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 27 रनों के स्कोर पर टीम के 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे और मैदान पर ईशान किशन का साथ देने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आए, लेकिन नवीन उलहक ने अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई टीम को ध्वस्त करके रख दिया और 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। टीम का स्कोर केवल 27 रन बन पाया, लेकिन एक तरफ से ईशान किशन मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए मुंबई की तरफ से नए बल्लेबाज निहाल वडेरा आ चुके थे और अब पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के दोनों किट बल्लेबाजों पर कंधे पर आ चुकी थी। हर कोई इन्हीं दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था। पावर प्ले की 6 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर केवल 28 रन 4 विकेट पर बन पाया था और टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई, लेकिन ईशान किशन और निहाल वडेरा ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए।
टीम को 10 ओवर में 57 रनों तक पहुंचा दिया और इसके बाद भी दोनों खिलाड़ी रुके नहीं, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी टीम के लिए 14 ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने अपना शिकार अंतिम गेंद पर ईशान किशन की ओर किया और मुंबई इंडियंस का 5वां विकेट 80 रनों के स्कोर पर गिर गया। ईशान किशन 36 गेंद में 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रेहान वडेरा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए टीम डेविड आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को संभालकर एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए और टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। 16 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 5 विकेट पर 106 रन बन चुका।